हेलो नमस्कार भाइयों, आज फिर आपका स्वागत है आपके चैनल में, चरण मैकेनिक साई मोटर में। तो आज हम आपको बताएंगे कि i10 का स्टेयरिंग जो हो जाता है वो टाइट हो जाता है, तो समस्या कहाँ से होती है और क्या आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हमारे मीटर पे इंडिकेशन EPS का शो होता है। EPS मतलब इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग का सिस्टम जो होता है इन साइड होता है, नीचे डैशबोर्ड की साइड। तो हम इसका डैशबोर्ड के अंदर की साइड वो पार्ट्स खोलते हैं। प्लीज़ वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें, और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आप तक नई से नई वीडियो भेजता रहूं। और इसमें आपको दिखाते हैं हम जो इसमें EPS का क्या प्रोसेस होता है, क्या खोलना चाहिए क्या नहीं खोलना चाहिए। तो प्रोसेस हमारा चालू है खोलने का, तो इसको खोलते हैं। दरअसल इसमें एक फ्यूज़ भी होता है, फ्यूज़ इसका चेक कर लिया हमने, फ्यूज़ हमारा ओके है। तो हम इसका ये पॉइंट्स वगैरह सारे खोलेंगे, सारे पॉइंट्स खोलते हैं। जो इसकी मॉडल होता है, जिसको हम मॉडल बोलते हैं, EPS का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो पावर स्टेयरिंग का वर्क करता है। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट है लेकिन स्टेयरिंग हमारा बहुत हार्ड है, जैसे नॉर्मल स्टेयरिंग हो जाता है, पावर स्टेयरिंग नहीं है। तो ये प्रोसेस है, ये इनसाइड होता है हमारा नीचे की साइड। तो ये देखिए हमने खोल लिया है, और ये हमारा प्रोसेस ये है इसकी, EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग सिस्टम की ये आइटम्स होता है। ये हमें आइटम्स खोलना है, ये वाला आइटम। तो चलो प्रोसेस स्टार्ट हमारा खोलने का, तो इसको खोलते हैं। देखिए तो हम इसको सरलता से खोलते हैं। तो इसके अंदर इस साइड बोल्ट्स होते हैं, पॉइंट सारे निकालने पड़ते हैं। हमारी खुल चुकी है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग की डब्बी, और ये हम पॉइंट्स खोल रहे हैं इसकी। ये हमारा बाहर निकल चुका है। इससे हमारी जो EPS की लाइट शो करती है, ये हमारा पार्ट्स वो है जिससे EPS की लाइट हमारी शो होती है, और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग हमारा काम नहीं करता। हमारा स्टेयरिंग बहुत ही रफ़ हो जाता है, मतलब स्मूथ नहीं होता, खुलना में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब हम घुमाते हैं, काटते हैं गाड़ी को, चलाते हैं, तो बहुत दिक्कत आती है। तो ये है इसका प्रोसेस। तो आइए इसको हम चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, अब ये गाड़ी हो चुकी है हमारी ओके। हम ये इसमें EPS की डब्बी लगा चुके हैं और स्टार्ट करते हैं। ये देखिए EPS आ रही है ना, लाइट ऑन करने पे भी लाइट आ रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। तो हमने स्टार्ट किया और ये EPS की लाइट चली गई, तो हमारा स्टेयरिंग सक्सेसफुल हो चुका है। और ये देखिए आराम से मूव कर रहा है, तो हमारा स्टेयरिंग ओके हो चुका है। तो आगे वीडियो में कुछ और नया लेके आएंगे, तब तक के लिए सब भाइयों को राम राम।